नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। हमारे लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दिया गया। हुआ ये कि अफगानिस्तान को एक लाइब्रेरी के लिए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फंड दिया गया, तो फिर ट्रंप का यह कहना था कि इसका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कहा कि विदेश में कम निवेश करने को लेकर अपनी कैबिनेट का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा, मोदी लगातार मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। उन्होंने 5 घंटे इसी पर चर्चा की। वे चाहते हैं कि हम लाइब्रेरी के लिए धन्यवाद कहें। मुझे पता नहीं इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कौन कर रहा है। हालांकि ट्रंप के इस तंज को भारत ने खारिज कर दिया है। इस मामले में भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान को बदलने के में विकास संबंधी सहयोग बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब कुल मिलाकर मोदी जी क्यों चर्चा का विषय बन गए और ट्रंप द्वारा उनका मजाक क्यों उड़ा दिया गया, इसको लेकर अखबारों में भी कई तरह की चर्चाएं चलती रहीं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर यह कहा कि प्रिय ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक बनाना बंद करिए। अफगानिस्तान और भारत को अमेरिका के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी यह कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में राष्ट्रपति की टिप्पणी ठीक नहीं है और यह अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि हम आशा करते हैं सख्ती से सरकार इसका जवाब देगी और अमेरिका को यह बताएगी कि भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर सड़कें एवं बांध बनवाए हैं और $3 अरब की मदद की प्रतिबद्धता भी जताई है।